किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्ती, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आए किड्स कैंप। मारेंगे, जेल में डाल दो, चलेगा हमको। लास्ट हम लोग क्या, हम लोग वायलेंस बन जाए। मैं मारूंगा, एक कातिल भी हूं, मैं मारूंगा। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। हॉकर्सों को हंगामा मचाना, धमकी देना पड़ा भारी, मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। एक तरफ हॉकर्सों को लेकर शहर के समाज सेवक, जिम्मेदार लोग आवाज उठाते हैं हॉकर्स को रास्ते से हटाए जाए, दूसरी तरफ हॉकर्सों को लेकर आवाज उठते हैं इन बेसहारों का सहारा कौन है, तीसरी तरफ कुछ हॉकर्सों की वजह से, सभी हॉकर्सों पर इनकी वजह से हर रोज TMC की कार्रवाई होती है और उन्हीं हॉकर्सों के बीच कुछ ऐसे भी तत्व सामने आ जाते हैं। आर पार की लड़ाई की बात करते हैं, अधिकारियों पर हमले की बात करते हैं। कुछ हॉकर्सों की मजबूरी है उन्हें धंधा लगाकर अपनी परिवार का पालन पोषण करना, और लेकिन ये कितना सही है उन अधिकारियों को धमकी देना। पिछले दिनों यानी 7 फरवरी की शाम 6 बजे के आसपास की घटना है। तनवर नगर दोस्ती अपार्टमेंट के पास ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी सागर सालुंखे व अपनी टीम के साथ रास्ते में लगे हाथ गाड़ी व फुटपाथ पर लगे हॉकर्सों पर कार्रवाई करने के दौरान कुछ हॉकर्स व एक महिला TMC की कार्रवाई पर विरोध किया था, चक्का जाम भी किया था, यानी सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, इस तरह के आरोप लगे हैं। हैप्पी सिंह, फिरोज खान, शहबाज शेख व अननोन 11 लोगों पर, जिन पर FIR दर्ज किया गया है। 3 लोगों के नाम FIR में दर्ज हैं, बाकी के 11 लोगों की पुलिस पहचान कर रही है जो अननोन में दर्ज है। इन लोगों पर 353, 141, 143, 506 Part 2, 37(1), 135 के तहत मामला दर्ज किया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, हॉकर्सों की मजबूरी है धंधा करना, अधिकारियों की मजबूरी है शिकायत मिलने पर आदेश अनुसार कार्रवाई करना। बहरहाल ये FIR कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें, जिनमें इन हॉकर्सों के नाम हैं, बाकी के 11 अननोन नाम हैं जो YouTube पे चली खबरों के माध्यम से चेहरे पहचाने जा रहे हैं। पुलिस YouTube पर जो चले वीडियो हैं उसकी भी सहारा ले रही है ताकि उन हॉकर्सों को गिरफ्तार कर सके। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।